अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वॉम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक बाय आसमा। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम चाहने वाले सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमत को अपने दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ ये रमजान स्पेशल, और रमजान में तकरीबन तारी में ये तकरीबन हर घर में डेली ही बनती है क्योंकि झटपट रेडी हो जाती है, और इसके बगैर दही भले और पापड़ी चाट और फ्रूट चाट के बगैर तो इफ्तारी हमें वैसे भी अधूरी लगती है, तो ये बिल्कुल जल्दी से रेडी हो जाती है। पापड़ियों की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप उस जाए उसे देखें, उसका मेथड देखें, बनाएं और पूरे महीने के लिए आप उसे बना के सेव कर लें। रोजाना पापड़ी चाट बनाएं, दही भल्लों में आप यूज कर सकते हैं, इसमें चाट में इस्तेमाल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके पहले सबसे पहले इसके पापड़ी चाट बनाते हैं। दही लिया था मैंने, उसमें ग्रीन चटनी डाल दी थी। ग्रीन चटनी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे है, पिन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। प्याज बारीक काट के वो मैंने डाल दिए थे, टमाटर बारीक काट के वो डाल दिए थे, टमाटर आपने बीज के बगैर लेने हैं वो डालेंगे हम, आलू मैंने बॉईल कर दिए थे वो डाल देंगे। चने बॉईल कर लिए थे वो डाल दिए, सफेद चने डालेंगे हम। प्याज डालेंगे, पुदीना डालेंगे, आप भी पुदीना जरूर डालिएगा क्योंकि पापड़ी चाट में पुदीना बहुत मज़ेदार, इसका बहुत ज़्यादा आप चटनी भी डालिएगा, पुदीना इस तरह काट के भी डालिएगा। बंद गोभी डालेंगे, सलाद के पत्ते थे वो मैंने बारीक काट के वो भी डाल दिए थे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह डाल के हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है लेकिन सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ये पसंद है। डिश आउट करेंगे आप इसकी चटनियाँ, इसकी इमली की चटनी, इसकी ग्रीन चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप जाके विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसको बना के सेव कर सकते हैं। रमजान से पहले बनाए सेव करें और पूरा महीना आराम से निकालें और एंजॉय करें। गार्निश में हम बंद गोभी सलाद के पत्ते डालेंगे, पुदीना डालेंगे, टमाटर, प्याज, आप कोशिश किया करें कि रमजान में पुदीने का ज्यादा इस्तेमाल करें। पापड़ी ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी इसकी रेसिपी है, आप भी इसको बना के सेव कर सकते हैं। ये मैंने घर में बनाई थी और घर में जो हम चीज़ बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छी बनती है और सस्ती पड़ती है हमें। इमली की चटनी, इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, इसका भी मैं लिंक दे दूंगी पिन में, आप देख बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। दही बड़े मसाला डालेंगे, लीजिए मज़ेदार से हमारी पापड़ी चाट रेडी है। उम्मीद करती हैं आप ये मेरी रेसिपी को ज़रूर बनाएंगे, ये चटनियों की रेसिपीज देख रहे चटनियाँ भी बना के रखेंगे, दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को में भी खुशियाँ बांटें। अब दीजिएगा मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। बाकी वीडियोस देखना चाहते हैं नीचे प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस आ रही हैं, आप हमारे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं।